नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोगों के हाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ मेरी जान। सो बहुत सारे कमेंट ऐसा आया कि आप बुज्जी पे रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हो। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बुज्जी पे रिएक्शन नहीं दे रही हूँ, मैंने दिया है, बट उसमें रिवील नहीं किया था प्रभास ने। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि बुज्जी का नाम बुज्जी क्यों रखा गया है। सो लेट्स गेट इन टू दिस बुज्जीज रिएक्शन वीडियो। मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है भैरवा। और भैरवा, nothing is impossible. 1 million यूनिट चंद मात्रे का, नमक कॉम्प्लेक्स में पन मात्रे का। मुझे chances of bounty 0.18%. मुझे हम full speed मुझे। इधर आना maximum speed. निम shoes, नीवे charge मार दे। ना निम्बॉल चाहिए भैरवा। मुझे ओके रोजू, ये रोजू, just be positive. पला, let's go. ఇంక తిరిగి లేదే లేదు బుజ్జి. కల్కి లవ్ యూ బుజ్జి, వి లవ్ యూ భారవా అండ్ బుజ్జి టూ. So, ये सो गाइस, बुज्जी का नाम बुज्जी क्यों है ये मैं आपको बताती हूँ। बुज्जी का मतलब होता है कि जिससे आप प्यार करो, मतलब लविंग, केयरिंग एंड जिस बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज, मतलब ऐसा अलग अलग अगर आप सर्च करोगे तो वो मिलेगा। भैरवा यानी अपने प्रभास की फ्रेंड बोल सकते हैं, वी कैन से एआई फ्रेंड्स की काफी हेल्प करेगी लड़ाई वड़ाई करने में। बट अगर मैं इसी की बात करूं तो मुझे लगता है साईफाई बोलते हैं हम लोग, तो ये मूवी एक और अभी रिसेंटली में नेटफ्लिक्स पे शेयर हुई है, उसका नाम है एटलास। तो क्वाइट उसमें भी एक जोई और एक इसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया गया है, न्यूरॉन्स को हेल्प करके कुछ बनाया गया। अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी जरूर देखना। अपने बॉलीवुड भी काफी आगे जा रहा है, हॉलीवुड को टक्कर दे रहा है, तो विच इज वेरी ब्यूटीफुल। बट आई होप इसकी स्टोरी भी बिल्कुल धांसू वाली हो और मजा आ जाए देखने के बाद, नॉट ओनली इन इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में सारे हॉलीवुड वाले भी इस मूवी को देखें और प्रेज करें। डार्लिंग है तो डार्लिंग की डार्लिंग, तो मुझे तो बहुत पसंद आई। और ये इस टाइप के रोबोट अगर मिल जाए ना तो काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है जज करना कि भाई हेल्पिंग भी है, ऑन द अदर हैंड ये हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। सो एटलास्ट देखी थी, उससे तो मुझे यही लगा था। कल की देखने के बाद क्या होता है पता नहीं। आपकी क्या राय है कि एआई हमारे लिए, अगर इतना ज्यादा हम डिपेंड हो गए रोबोटिक पे चले गए, तो क्या ये हमारे लिए यूजफुल ज्यादा है या हार्मफुल है, तो कॉमेंट करके जरूर बताना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्लीज पार्ट ऑफ आवर स्वीट लेटेस्ट यूट्यूब फैमिली। असल दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।